हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, सरकारी अफसर को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। बाड़मेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर के सहायक निदेशक मुखराम जाट को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चौटन निवासी परिवादी नांजा राम मेघवाल ने 22 जुलाई को ACB ऑफिस में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश कर बताया कि सहायक निदेशक नाजाराम 8,90,000 रुपए का लोन पास करने की अवज में 4,000 की रिश्वत मांग रहे हैं, जिसमें से 5,000 नगद देने की बात की और बाकी राशि खाते में स्थानांतर करने की बात हुई। इस पर ACP टीम ने गोपनीय सत्यापन करवाया, जिसमें पुरानी तहसील कलेक्ट्रेट परिसर में अपने अनुबंधित वाहन में आकर गाड़ी में बैठे बैठे ही रिश्वत की 5,000 की राशि परिवादी से प्राप्त करते हुए अपने शर्ट के जेब में रखे। इस पर ACP की टीम द्वारा तुरंत धावा बोलकर आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 5,000 की राशि जब्त की तथा उसे आगे की कार्रवाई के लिए ACP कार्यालय लाया गया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए गोपाल सिंह भाटी, इन्होंने ये कहा, इस पांच को मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी और उसने बताया कि मुखराम सहायक निदेशक जो सामाजिक विभाग न्याय में है बाड़मेर, वो मेरी एक जो टैक्सी गाड़ी का लोन करने के एवज में 40,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर ये ट्रैप का आयोजन किया गया। आज वो पहले किस्त के 5,000 रुपये रिश्वत देते हैं उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुल कितनी राशि थी? 5,000 रुपये। सर कौन था परिवादी, कहाँ का था परिवादी? नाजाराम सोलेराम मेघवाल है और बावड़ी कला चौटन कर। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।